और इस बीच एक बड़ी खबर, अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे, तीसरी बार नेशनल सुरक्षा सलाहकार बने अजीत डोभाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजीत डोभाल एनएसए बने रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बार भी नेशनल सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे अजीत डोभाल, एक्सटेंशन उनको मिल गया है। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि आप देखें सबके बीच जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री लगातार रिव्यू मीटिंग्स भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी नज़र बनाई जा रखी है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अजीत डोभाल को एक्सटेंशन मिल चुका है, वही एनएसए बने रहेंगे, तीसरी बार नेशनल सुरक्षा सलाहकार बने हैं अजीत डोभाल। और नीट के एग्जाम में धांधली को लेकर स्टूडेंट्स का हंगामा लगातार जारी है। अमरोहा और शामली में भी नीट स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। अमरोहा जिलाधिकारी कार्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। और उधर शामली में छात्रों ने नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की है। शामली में छात्रों ने डीएम को अपनी मांग का पत्र भी सौंपा है। भारत माता की, भारत माता की, धरती परिषद जिंदाबाद, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी मिशन ने अनूठी पहल की है। शहर में नाइट मार्केट के बाद अब नगर निगम के सहयोग से फ्लाईओवर के नीचे प्लेइंग जोन बनने जा रहा है, जिसका 3D मॉडल भी सामने आ चुका है। और इस प्लेइंग जोन में बच्चे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। इस प्लेइंग जोन में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, टेबल टेनिस जैसे खेलों की सुविधा मिलेगी और इस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रायल के तौर पर वाराणसी के ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे इस प्लेइंग जोन को बनाया जा रहा है। प्रयोग सफल रहा तो देश के दूसरे शहरों में भी फ्लाईओवरों के नीचे भी प्लेइंग जोन बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर के नीचे आप देखते होंगे कि पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हुआ करता था। ये काफ़ी लंबा, करीब 100 मीटर का लंबा फ्लाईओवर है। यहाँ पे हम लोगों ने एक गेमिंग जोन के नाम से एक पार्क डेवलप कर रहे हैं। माननीय महापौर जी के द्वारा इस संबंध में निर्देशित किया गया था, तो उसका सर्वे वगैरह कराने के बाद वहाँ पर बच्चों के लिए हम लोग गेमिंग जोन का निर्माण कर रहे हैं, जो फ्लाईओवर के ठीक नीचे होगा। ये लगभग, इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर है और करीब 10 फीट चौड़ा ये है। इसमें मूलभूत सुविधाएं बच्चों को खेलने के लिए होगा, ये पूरी तरह से पैक होगा, वातानुकूलित होगा। और कुवैत में हुए भयानक अग्निकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उसमें से ज्यादातर भारत के ही हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है।
हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे, इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं, दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस के सवाल, सलमान खान के जवाब। सलमान और अरबाज से पूछे 150 सवाल। फायरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पार्टी, उस दिन जब फायरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पार्टी चल रही थी और जब फायरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोए हुए थे। इतना ही नहीं, फायरिंग होते ही सलमान खान की नींद टूट गई। 4 जून को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान खान से और 2 घंटे तक अरबाज खान से कुल 150 सवाल किए और उन सवालों के जवाब में जो बयानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सलमान के हर एक चाहने वाले को डरा देने वाले हैं, क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायरिंग वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग से कुछ देर पहले सलमान खान के घर में पार्टी चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक सलमान खान की नींद टूटी। सलमान तुरंत अपनी बालकनी पहुंचे और गोलियों के निशान देखे। सलमान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा। फायरिंग के वक्त सलमान का परिवार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में था। सलमान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। सलमान ने बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली। सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के भाई अरबाज खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है। अरबाज खान से फायरिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दिनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए। 4 जून को 12 बजे सलमान खान के घर पर उनका बयान दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सलमान और अरबाज से सवाल किए।
सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को जल्द मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। खबरें जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।